कैबिनेट का जो विस्तार होना है उसमें कई लोग नाराज हैं, उसमें से आपके एक बेटे इरफान अंसारी भी नाराज चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि सचमुच में इरफान अंसारी की दावेदारी बनती है इस कैबिनेट? सभी ये मिले चाहेंगे कि हम मंत्री बने, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं है, स्पेस नहीं है। अभी राहुल जी भी आए थे न्याय यात्रा में, पाकुड़ से होते हुए, गोड्डा से होते हुए, देवघर से होते हुए, पूरा लोकसभा आपका वो घूमे, तो क्या इस संबंध में कुछ बातचीत हुई लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ, बात हुई है। लेकिन दीपिका पांडे, प्रदीप यादव, ये कई नाम चल रहे हैं। प्रदीप जी का तो आपने बता दिया कि JVM और BJP का कल्चर है, दीपिका पांडे का एक नाम भी चल रहा है। दीपिका भी कहा है कि तुम अपना क्षेत्र को संभाल लो विधानसभा, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात। हमने कहा कि महकमा को आप संभालिए ठीक से, वहाँ आपका रिएक्शन है आपके नाम पर बहुत ज़्यादा। निशिकांत दुबे जिस तरह से जीतते रहे हैं और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हम एयरपोर्ट बनवा दिए, गोड्डा तक ट्रेन पहुंचा दिए, लग रहा है कि इस बार कोई नाराजगी है या फिर सचमुच में यही सब के नाम पर फिर से वोट उन्हें मिल जाए? करता तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा उसका बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए कि प्रभात खबर वगैरह दो चार अखबार ऐसा है कि जो अपना पॉकेट का बना लिया उसने पैसे के बल पर, और पैसे कमी तो है नहीं उसको। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद फुरकान अंसारी हैं। फुरकान जी, यहाँ पर चंपई सोरेन की सरकार ने बहुमत तो हासिल कर लिया, इसके लिए बधाई। सामने बड़ी चुनौती ये है, सब बोल रहा है कि कैबिनेट का जो विस्तार होना है उसमें कई लोग नाराज हैं, उसमें से आपके एक बेटे इरफान अंसारी भी नाराज चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि सचमुच में इरफान अंसारी की दावेदारी बनती है इस कैबिनेट में? देखिए, किसी भी नए MLA, सभी MLA चाहेंगे कि हम मंत्री बने, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं है, स्पेस नहीं है मंत्रिमंडल में उतना। चार कोटा है कांग्रेस का, एक मुस्लिम को गया आलमगीर आलम, एक आदिवासी को जाएगा ही, एक ब्राह्मण को जाएगा ही, और एक बैकवर्ड को जाएगा। चार ही तो कोटे है आपका, तो पांचवा कहाँ से आप डिमांड कर रहे हैं? लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो ये कम्युनिटी से आते हैं अंसारी, उसका वोट परसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमेशा उनको मिल जाता है, इनको मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, वो तो वो बात ख़त्म हो गई, और अभी इस पर बहस नहीं करना चाहिए विधायकों को, अभी आगे चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। ये मामला नहीं, हमको लगता है कि हमारी जो अपनी राय है, हमने कहा भी है कि जो पुराने जैसे सेटअप है वही सेटअप रहने दो और काम चलने दो, फटाफट काम कराओ। अभी राहुल जी भी आए थे न्याय यात्रा में, पाकुड़ से होते हुए, गोड्डा से होते हुए, देवघर से होते हुए, पूरा लोकसभा आपका वो घूमे, तो क्या इस संबंध में कुछ बातचीत हुई लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ, बात हुई है। क्या बोले वो? हम हसदिया में ही उनके गाड़ी में हम बैठ गए थे। अच्छा, उनके साथ थे आप? हाँ, साथ ही थे। अब पूरा मोहनपुर तक हम साथ आए, और फिर मोहनपुर से फिर हम चला आए इधर मधुपुर, है ना। तो हम साथ थे उनके, सारी बातें हुई है हमारी कि वो लोकसभा में मेरी दावेदारी इसलिए बनती है कि हम बहुत कम वोट से हारे हैं, और जो करीब 2 लाख वोट से हारा है उनकी दावेदारी बनती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की कल्चर को नहीं जानता है। कांग्रेस की कल्चर जो है वो उसके अंदर अभी है नहीं है, वो JVM वाला कल्चर है इसके पास, और BJP वाला कल्चर है, ये सब ठीक नहीं है। इसको बढ़िया से हम आपके नॉलेज में दे रहे हैं, पार्टी हित में, तो मैंने नॉलेज में दे दिया उनको। तो मतलब आपके फेवर में लगा कि राहुल जी हैं? हाँ, नहीं बोला कि अभी वो बता दिया जो प्रभारी है ना, अब बोला कि ठीक है, हम अभी उस पर विचार नहीं किए हैं, जब विचारने विषय आएगा देन वी विल थिंक सी। लेकिन इस बार मजबूत दावेदारी आप मान रहे हैं अपना? बिल्कुल बिल्कुल, मजबूती के साथ हम अपनी बात को रखे भी हैं और हमारी दावेदारी है। लेकिन दीपिका पांडे, प्रदीप यादव, ये कई नाम चल रहे हैं। प्रदीप जी का तो आपने बता दिया कि JVM और BJP का कल्चर है, दीपिका पांडे का एक नाम भी चल रहा है, उसका कोई गुंजाइश नहीं है, वो तो अपना सिर्फ अपना विधान, हमने उनको दीपिका भी कहा है कि तुम अपना क्षेत्र को संभाल लो विधानसभा, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्षेत्र ठीक नहीं लग रहा है? नहीं, उनके क्षेत्र क्योंकि आपका तो लोकसभा क्षेत्र है, आप आइडिया। महकमा को हम जानते हैं ना, एक एक मैं आदमी जानता हूँ, हमने कहा कि महकमा को आप संभालिए ठीक से, वहाँ आपका रिएक्शन है आपके नाम पर बहुत ज़्यादा, तो विधानसभा संभाल लो तुम अपना, उसी में तुम्हारी भलाई है, फिर बातें सोचना, लोकसभा भी तुम्हारी उम्र है, मेरा तो ये लास्ट टर्म है, उसके बाद तो हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। निशिकांत दुबे जिस तरह से जीतते रहे हैं और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हम एयरपोर्ट बनवा दिए, गोड्डा तक ट्रेन पहुँचा दिए, लग रहा है कि इस बार कोई नाराजगी है या फिर सचमुच में यही सब के नाम पर फिर से वोट उन्हें मिल जाएगा? इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा कोई काम देश में किया था क्या? रायबरेली में हार गए ने वो। काम की बात जहाँ तक है तो एयरपोर्ट
और रेल, ये मालूम होना चाहिए कि हसडिया टू गुड्डा रेल लाइन मेरा किया हुआ था, लालू जी ही हमारे तरफ से सेंक्शन कर दिया था, सिर्फ शिलान्यास बाकी था, लेकिन जनता ने मुझे शिलान्यास करने का मौका नहीं दिया, वो दुबे को दिया, तो दुबे को जब दे दिया दुबे को ना श्रेय ले रहा कि हम ही लगवाएं, लेकिन सच्चाई यही है। और मैंने दुबे को एक दिन किसी देवघर में प्रेस में डिबेट में मैंने कहा था कि अगर तुमको राम भगवान महादेव मंदिर पर तुमको भरोसा है, बाबा धाम पर, तुम हाथ उठा के बोल दो कि ये रूल हमने मंजूर करवाया है। नहीं उठाया। तो इसे साफ जाहिर होता है कि वो करता तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा उसका बहुत ज़्यादा चलता है। इसलिए कि प्रभात खबर वगैरह दो चार अखबार ऐसा है कि जो अपना पॉकेट का बना लिया उसने पैसे के बल पर, और पैसे कमी तो है नहीं उसको, हम इसको खानदान को उसको जानते हैं, बाप पूजा करके ही लोग भरण पोषण करता था उस समय में, लेकिन कॉरपोरेट के बीच में जा करके ये पढ़ा लिखा, अब कॉरपोरेट के बीच में जा करके जो दलाली का काम किया, आज वो कितना का पैसा का मालिक है, हम समझते हैं कि हजारों करोड़ का मालिक है, और जमीन के मामले में देवघर तो करीब करीब हम समझते हैं कि आधा देवघर करीब खरीद ही लिया उसने। लेकिन एक इंटरव्यू अभी हाल में उनका आया था, वो तो बोल रहे हैं कि इससे पहले जो कंपनी में काम कर रहे थे उसमें तो 1 करोड़ रुपया महीना उनकी सैलरी थी, तो पैसा तो जमा हो ही ना जाएगा। कौन कंपनी में, कितना बड़ा एक्सपर्ट हो गया, एसआर में बोल रहे थे कि डायरेक्टर कितना क्या मजाक बनाते हैं, इनको 1 करोड़ रुपया महीना लेने के लायक है वो क्या, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना वाले मिलता होगा, 1 करोड़ रुपया महीना इसको कौन देने वाला है भाई, फालतू वाला बात है। ये दलाली करते थे कंपनी में जा करके, गवर्नमेंट के बीच में लाइजनिंग करते थे, ये काम था इनका। हम जानते हैं बॉम्बे में थे, महाराष्ट्र का था ना वो, क्या नाम जो डेथ कर गया, क्या नाम है बीजेपी के, जो उसी के साथ लाइजनिंग करता था वो, कोयले में लाइजनिंग, कंपनी में लाइजनिंग, किसका कहाँ सेटिंग है, कौन कहाँ टेंडर डाला है, इसको काम दिलाने में कितना। अब दिल्ली अब देखिए ना, यहाँ देवघर में जितना काम हो रहा है या संथलपना में जो भारत सरकार का जो काम हो रहा है उसका लाइजनिंग यही करते हैं सब, ठेकेदार से बात करना, ठेकेदार को आगे बढ़ाना भी लगा सबसे भाई, ये काम ही इसका है, मेन काम तो रोजगार इसका यही है, ये पॉलिटिक्स क्या करें, जनता से क्या मतलब है, ये बता दे किस गांव में घुमा होगा, किस गांव को ही जानता है, किसी गांव को बता दे कि हाँ फलना गांव में, हाँ रिपोर्ट लेकर के रोड का नाम दे दिया। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in